बाइक को पार्किंग छैन रहेछ, पुरा जाम भयो, अन्त यतै राखेर गएको। मेरो प्र्याक्टिकल ओडिसी डेली गर्नुहुन्छ कि? डेली गर्दिनँ, एक्चुअली डेली अब धीरे धीरे गर्ने हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। और ये एपिसोड स्टार्ट हो रहा है टिस्टा से। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग टिस्टा से। सो टिस्टा देखि को हम अब आज फुटबल हेर्न जानु जाँदैछौ, अन्त तपाईलाई पनि देखाउन लागि लादैछु। सो फुटबल हुँदैछ, मैले जस्तो सुनेको कालिम्पोङ र दार्जिलिङको हुँदैछ अरे। अन्त हामी अब रौनक गएर, अब त्यो कहाँ फुटबल ग्राउन्ड हो, त्यहाँ गएर हामी अब देखाउनेछु, अब गएर हेरौँ के हुन्छ। सो मेरो बाइकलाई आज रेडी फर राइड, आज बाबाको छुट्टी हो। वेट एकछिनै, जहिले नि यो सिसा फुटाइरहेको हुन्छ, कसैले नै फुटाउँछ कि फुट्छ कि के हो। रेडी फर राइड टुडे, टुडे सन्डे। यो सन्डे राइडमा हामी आज फुटबल हेर्न जानेछु। सो आज स्टेडियम गार्लाङ स्टेडियममा हुँदैछ फुटबल। यहाँको रोड चाहिँ कहिले स्टार्ट हुनु, ओए पछाडि पछाडि। रोड रिक्सी छ, यहाँ बनाउँदैछ दाजुहरूले। सो गाइस, आई एम अलरेडी लेट, एक्चुअली 2:30 रहेछ गेम, 2:30 बजिसक्यो, 1 बजी स्टार्ट हुन्छ फुटबल। सो आई एम लेट गाइस, गएर हेरौँ के छ छैन हो। सो यो काठको पुल, सो इधर से त्रिवेणी का रास्ता था, वेलकम टू त्रिवेणी लिखा हुआ है, लेकिन अब तो क्या वेलकम बताएं गाइस। अभी त्रिवेणी बंद है, रास्ता टूट गया है, सारा कुछ बह चुका है। जहाँ पे त्रिवेणी में स्टे करता था वहाँ पे तो अभी नदी बह रहा है। तो ये पेशोक रोड बहुत स्ट्रिप है, ये रोड स्ट्रिप रोड आज वो संडे राइट। आने के टाइम में तो बिना स्टार्ट में आ सकते हैं, लेकिन आने के टाइम में शायद अंधेरा हो जाएगा तो स्टार्ट रखना पड़ेगा। और हमारे रॉकस्टर में बहुत ताकत है, ये 3 बंदे को बैठा के भी ले जा सकता है। ये मैं अभी तीसरा गियर पे चल रहा हूँ, रॉकस्टर पे बहुत ताकत है। और ये पुराना रॉकस्टर है 2012 का। तो गाइस अब चल रहा है चौथा गियर में, 5वां गियर भी लगा देते हैं, ले लो
पांचवा गियर लग गया गाइस। वाह मजा ही आ गया। बस अकेला हूँ ऑफिस में, अगर रहता तो अच्छा लगता। अभी तक पांचवा गियर में है, चढ़ेगा चढ़ेगा, एक बजे चढ़ेगा चढ़ेगा। चौथा गियर लगा लिया, और यहीं से व्यू देख रहा है टी गार्डन का गाइस। टी गार्डन स्टार्ट हो गया अभी हमारे यहाँ से केशव रोड का। लवर्स पॉइंट, ये देखो लवर्स पॉइंट गाइस। सो टूरिस्ट का एक्टिविटी कितना है, नहीं है, सब बाइकर्स ही दिख रहा है, टूरिस्ट थोड़ा बहुत है, छह सात गाड़ी रुका हुआ है टूरिस्ट। सो यहाँ का लवर्स पॉइंट का व्यू तभी दिखता है जब रंगीत अंतिष्ठा का कलर होता है, लेकिन रंगीत का कलर थोड़ा भी ठीक ठाक है, लेकिन तीस्ता का कलर ठीक नहीं है। तीस्ता का कलर अभी पूरा गंदा पानी आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्लड। सो गाइज मेरा वॉइस कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है मालूम नहीं, क्योंकि मैं चल रहा हूँ तो हवा में थोड़ा वॉइस अच्छा नहीं आएगा शायद। ये देखो गाइस व्यू, और उधर पूरा कोहरा ही कोहरा है, छोटा मंगुआ मतलब बड़ा मंगुआ छोटा मंगुआ, उधर कोहरा ही कोहरा है। पिछला संडे मैं उस तरफ गया था बड़ा मंगुआ, लेकिन उसका वॉइस जो मैंने माइक से किया था वो इतना खास नहीं आया, तो इसीलिए मैंने वो वाला वीडियो नहीं डाला, और इसीलिए डायरेक्ट मैं इसी वीडियो से आया हूँ। तो मेरा यूट्यूब में एंड फेसबुक में जो मेरा ट्रायल वीडियो था मेरे मोटो ब्लॉग के साथ रॉकस्टार के साथ, तो वही आया है, और दूसरा कुछ वीडियो नहीं आया है डायरेक्टली आज। व्यू तो खैर है अल्टीमेट दिखता है यहाँ पे, आज मौसम इतना बढ़िया नहीं है वरना बहुत कड़वा धूप होता है। ये सारे बाइकर्स शायद उधर ही जा रहे हैं। सब पिकअप में भर भर के जा रहे हैं। ये जाम क्या चीज का लग गया भाई, यहाँ पे जाम। अच्छा यहीं से जाता है फुटबॉल ग्राउंड, थोड़ा आगे से ही लेफ्ट टर्न है। सो बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, ये
पार्किंग एरिया ये हो गया। फुटबॉल के लिए बहुत भीड़ हुआ यार, लगता है ग्राउंड खचाखच होगा। तो यहाँ पे कैंपिंग एरिया है, बहुत अच्छा ही लोकेशन पे है कैंपिंग। क्या पता अंकल, मस्त अंकल, ठीक है अंकल। यहाँ पर जाम भयो, अंकल कैंपिंग कस्ट कति हो त, कैंपिंग कस्ट कति गर्छ? लन्चसँग हो नि हजुर, 1500 लन्च होइन, ब्रेकफास्ट र डिनर, ब्रेकफास्ट डिनर बारबेक्यू बोनफायर गरेर चाहिँ 1300 मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्। रिमोट सिस्टम भित्र बनाउला काट छ काट थियो भित्र। गाइस यहाँ पे कैंपिंग कैंपिंग कर सकते हैं, कैंपिंग यहाँ पे अभी रेट जैसे बताए हैं 1500 पर हेड। सो यहाँ पे अच्छा व्यू है आज, थोड़ा मतलब मौसम थोड़ा ऐसे फॉगी फॉगी है, वरना यहाँ पे पूरा पहाड़ दिखेगा आपको और मे बी कंचनजंगा भी दिखता है। जाम ऑन स्ट्रीट, अरे बाप रे, जाम भाई। यताबाट जान्दा हुन्छ ग्राउन्ड ग, उताबाट सर्टकटै थियो होला हौ ब्रो, यताबाट सर्टकट थियो होला हौ माथि हजुर, अँ यताबाट छ नि त सर्टकट जु। सो यहाँ पे गाइस बहुत सारा होमस्टे है, गो गार्डन फ्लावर्स, ये भी शायद होमस्टे ही है। अच्छा लोकेशन पे होम स्टे है, यहाँ रहेछ बारी बारी जानु पर्ने रहेछ। भरी भरी
के भयो के स्कुटी प्रब्लम भयो ह्यान्डल चाहिँ फ्री छोडेको हुन्थ्यो नि नगरेछ केटाहरूले सुरुले नगरे स्कुटी स्टेरिङ फ्री गर्दै हुन्छ अलिकति अगाडि पछाडि गर्नु सक्थ्यो नि त मैले त छोड्दै स्टेरिङ फ्री सो बरिबरि हिँड्दैछ यस्तो जाम बाटो आउनु चाहिँ म एक्लै आएको थियो अब कालिम्पोङ साथीहरू भेट्यो कालिम्पोङबाट आएको सो यहाँ भेटेको छु मेरो प्र्याक्टिकल ओडिसी डेली गर्नुहुन्छ कि डेली गर्दिनँ एक्चुली डेली अब धीरे धीरे गर्ने हो अहिले यतिको त बाटोमै यतिको भिड देख्दैछ भरे ग्राउन्डमा पुगेर चाहिँ कत्रो हुन्छ होला साथी खासै म एक्लै आएको थियो अन्त यहाँ पार्किङमा साथी भेटायो के पो नाम थियो सुजित 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 यस सुजित उहाँहरू मेरो घरमा सघाउनु आउनु भएको थियो बहुत हेल्पफुल भयो अन्त आज डाइरेक्टली भेट्यो आयो थार यो थार पनि तल थियो कालिम्पोङ खचाखच भिड रहेछ स्टेडियम गर्लिङ स्टेडियम इज खचाखच गाइस ओह माय गॉड अहिले यिनीहरू बेसी म्याच खेल्छ हिजो पनि पुरा यिनीहरूको म्याच थियो अफेयर कम्ता दुई जग्गा खुट्यो हिजो हो हातले
सुनील भाई यहाँ अगर बस फोर्टी फाइव मिनट दिए अभी भैन कस को गोल अंत अब एक्स्ट्रा टाइम दिदेश एकदम स्टेडियम पूरा खचा खच जुम कर हेन पर्च अंत मेरे बैट्री ले बैट्री सकिन आटे जस्ट 9% लेफ्ट अब उत दार्जिलिंग पुलिस दर्शकवृन्द कृपया तपाईहरु मैदानदेखि बाहिरै बस्दिनु होला पुलिस प्रहरी कृपया ध्यान दिनुहोस् र दार्जिलिङ पुलिसले दोस्रो प्रयासमा आफ्नो गोल गर्न तीन तीन सटहरुमध्ये दुई दुई गोल दागेर बराबर रहेको छ दार्जिलिङ पुलिस 2 अनि जर्जियन एफसी 2 रुपैयाँ 5 लाखको निम्ति भागीदारी विजेता दललाई रुपैयाँ 5 लाख रुपैयाँ अगाडि बढिदिने अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई उहाँकी धर्मपत्नीलाई दिइने यो जुन चाहिँ लेटर अफ एप्रिसिएसन छ त्यो पनि सुम्पिदिन हुन म प्रदान गरिदिनु हुन म आदरणीय अरुण गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु मेरा एक सुकून मिला
खाई।